रिक्शा खराब हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया? कहाँ जाओगे अभी? तो जाने कोई मैकेनिक है इसके आसपास? यहाँ पे तो पता नहीं भाई, मैं दूर से आया हूँ थोड़ा। चलो आगे करो, मैं पैर लगा देता हूँ। आपको कहाँ तक जाना है? वजीराबाद। वजीराबाद वहाँ तक लगा दोगे तो भाई मैं वापस। चलो चलो करो, आगे करो। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और आगे। चप्पल तो पहन लो। चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? इनका बैटरी रिक्शा ख़राब हो गया। जैसा कि आपने एक वीडियो में देखो, मैं फैमिली के साथ आया था, ये उसी दिन मिले हैं जाते हुए। मैं जा रहा था वजीराबाद किसी काम से, तो बीच रास्ते में धक्का लगा रहे थे ये अकेले। दूर जाना है ना, यहाँ से कम से कम होगा कोई 10 किलोमीटर के आसपास। तो मैंने पूछा, भाई कह रहे हैं भाई वजीराबाद तक छोड़ दो मुझे, मैं वहाँ किसी को बुला लूँगा। बस दोस्तों यही है कि भाई मदद करते रहो एक दूसरे की चलते फिरते। यार बहुत भारी है ये, ऐसा लग रहा है ऑटो में धक्का लगा रहा हूँ। वेट होता है ना बैटरी का। अभी मैं फैमिली के साथ ही हूँ। जब मैं आ रहा था ना, देखा ये बीच रोड पर धक्का लगा रहे थे। मैंने पता नहीं क्या हो गया, इसलिए साइड में रुका थोड़ी देर। बहुत जाम चल रही है ये, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रेड लाइट है, ग्रीन हो जाए उस टाइम मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ग्रीन हो गई, चलिए चलते हैं। करो थोड़ा सा आगे, करो थोड़ा सा आगे, करो चलो। तो बस यही है। जैसे मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरी वाइफ भी है। तो बेटा जो है, अब जो ये देखेगा ना बड़ा होगा, इसके दिमाग में हमेशा यही रहेगी। मैं बच्चों के साथ ज़्यादा करता हूँ कि भाई, ताकि बच्चों को इंसानियत ही सीखें। ये देखो दोस्तों, नफ़रत भी बहुत लोग फैलाते हैं, बहुत लोग इंसानियत फैलाते हैं। नफ़रत जो होती है ना, बहुत जल्दी बढ़ती है आगे, उसको लोग जल्दी कैच करते हैं बुराई को। ये फितरत होती है इंसान की। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं औरों के बारे में अपने बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई बुरी चीज़ होगी ना, जल्दी हम लोग कैच करते हैं, दिमाग हमारा। भाई निकाल ले बस, भाई साइड में चलाओ, थोड़ा साइड में कर लो। साइड में लगाना, साइड में करना, जरा साइड में करो। इतनी जाम क्यों चल रही है? इतनी जाम क्यों चल रही है? ये बहुत ज़्यादा जाम चल रही है, ये बहुत ज़्यादा जाम चल रही है, ये इतनी भारी गाड़ी है, इतनी भारी ऐसा लग रहा है कोई बस में धक्का दे रहा हूँ। चलो आगे करो थोड़ा सा, बहुत टाइट चल रही है ये, मुझे लगा ब्रेक दबा रखे हैं शायद। करो आगे करो। अबे यार बड़ी भारी है ये। अच्छा इसको ना इसी साइड बीच में मत चलाना, इधर ही रखना। चलो थोड़ी सी आगे करो भाई। रेड लाइट है, निकल जाए इसमें से अच्छा है, मतलब सॉरी ग्रीन लाइट, रेड लाइट पे ग्रीन लाइट हुई थी, निकल जाए इसमें से अच्छा है। निकल जा निकल जा। अबे यार हो गई रेड लाइट, हो गई। चलो पैर को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा भाई। मुझे लगते लग नहीं रहा कि फ्लाईओवर पर चढ़ा पाऊंगा। बहुत भारी है तुम्हारी गाड़ी। मुझे तो फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है। लगा देना बाकी। आप कैसे जाओगे फ्लाईओवर पे? यार इतनी भारी मुझसे खींचने से कैसे खींच लोगे अकेले? देख करते है ऊपर वाला साथ, टेंशन मत लो, जहाँ तक हिम्मत होगी लगा देंगे। जाओगे कहाँ से आप? बहुत सही गाड़ी लेके आए हो। अकेला आए हो? जहाँ भी भाई गद्दा लेके आया था, सवारी में काम नहीं था तो मैंने कहा चक्कर मार लो जमुना पार से। चलो हल्का सा पैर से चलाओ, पैर से चलाओ हल्का सा। कह रहे हैं काम नहीं था भाई, तो एक का बेड का गद्दा लाना था, तो कह रहे हैं भाई मैंने सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे, वापसी में ये काम हो गया। यार मजदूर आदमी यही तो है कि बस, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है हर कोई काम के पीछे है, सब मोस्टली काम बंद हो गए हैं। कह रहे हैं भाई सवारी तो मिलती नहीं, एक गद्दा लेके जाना था बैठ का, तो ऊपर रख के गद्दा वो लेके जा रहा था। एक काम करते हैं, इसको ऑटो के पीछे बनवा दूं, ऑटो के पीछे बनवा दूं इसे। चलो आगे बताता हूँ, अभी कोई ऑटो रोक के ना ऑटो के पीछे बनवाता हूँ। यहाँ साइड में लगाओ, लगाओ यही साइड में। हाँ भाई जी चलोगे? जहांगीरपुरी जाना है, जहांगीरपुरी जाना है। मैं कह रहा हूँ ऑटो के पीछे, ऑटो के पीछे बनवा देता हूँ। क्या हुआ? चलो फरीदाबाद तक तो छोड़ ही दूँ। चलो ये पारो भी फुल गर्म हो गई है, हीटिंग का निशान देख सकते हो आप, है ना? 3 पॉइंट होते हैं, 5 हो गए हीटिंग पॉइंट। लोड पड़ रहा है ना भाई बहुत ज़्यादा, और ऊपर से गर्मी इतनी। दिल्ली का ट्रैफिक हमारा बहुत ज़्यादा है। थोड़ी ठंडी हुई गाड़ी, 4 पॉइंट पे आ गए। क्या हुआ है? गर्मी में ना हीट बहुत हो रही है। दोस्तों सही बताऊं, अब तक का सबसे डिफिकल्ट जो मैंने धक्का लगाया वो ये है। मैंने छोटे हाथी इन सब में भी धक्के लगाए, वही जो होते हैं लोडिंग वाले फुल लोड हुए पे, उनमें भी धक्के लगाए, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही है। बस चला भाई, ओ भाई कर उधर। शुक्रिया भाई, चलो चलो चढ़ जाएगी। पूरी कोशिश करूंगा भाई, पूरी कोशिश करूंगा। हीट अप हो गई, फिर हवा नहीं लग रही ना इसे। ये फ्लाईओवर बहुत भारी है यार। ये कसम से भाई, अब तक का सबसे भारी धक्का है ये। हैं भाई, बहुत भारी है यार ये, बहुत ज़्यादा भारी है। हाँ है भाई, अरे कोई नहीं, बहुत भारी है भाई ये। वह भाई वाह, लेकिन मैंने दोस्तों दिल से ही बोला था मैंने, ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ओके भाई। भाई जब दिल से याद करो ना कोई आ ही जाता है कसम से। जब आज ये भाई आए ना, मुझे लगा कोई फरिश्ता सा आ गया यार कसम से। सही है भाई, ऐसे टाइम पे फरिश्ता ही है भाई। दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ, आज तक का सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट था पुश करने में वो ये दिन था भाई। ये भाई एक तो दिक्कत कह लो चाहे कुछ भी कह लो, पीछे से मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, वो साथ में ऊपर से भाई वो जाम इतनी जल्दी ऐसा लग रहा है ब्रेक दबा रखें, मगर यार याद रखूँगा ये दिन भी। मज़ा आ गया, मज़ा।